रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहाँ पर आए, उन्होंने भूमि पूजन किया, पहली चांदी की शिला उन्होंने रखी, और फिर इतना ही नहीं, रामचरित्र को किस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में समझाया, ये जानना और समझना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति कैसे प्रभु श्री राम से प्रभावित है, आज उन्होंने समझाया। कामों प्रतिष्ठा एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु। जय सियाराम, जय सियाराम। 10 दिशाएं, धरती, आकाश और पाताल, 33 करोड़ देवी देवता, भूलोक, देवलोक, स्वर्गलोक, जिस नैनाभिराम लमहे की प्रतीक्षा में बैठे थे, वो शुभ घड़ी आ गई। 33 कोटि, सहस्त्र कोटि, कोटि कोटि अब तो शताब्दियों और सहस्त्राब्दों का अंधकार मिट गया। सरयू तट स्वर्ण इतिहास का फिर से साक्षी बना। राम शिलाएं धरती की कोख में रखी गई तो भूलोक, कतल, पाताल, गत और अनागत सब राम रंग में रंग गए। अवध में ऐसा अवसर आया जिसकी प्रतीक्षा कई पीढ़ियां करती आई, टूट कई 500 सालों के संघर्ष की बेड़ियां और राम नाम की ईंटों की स्थापना कर पीएम मोदी युग पुरुष बन गए। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। आज तो रोम रोम राम का था, राम के लिए था, रग रग में राम थे, राम राग की रट थी, हृदय में बसने वाले राम को साक्षात देख आत्मा राम की हो गई, माटी का शरीर राम के चरणों में साष्टांग हो गया, पीएम नतमस्तक थे, दुनिया देख रही थी, राजा को राजा राम की शरणों में ऐसे देख कोटि कोटि भावनाएं भावुक हुए जा रही थी, शंखनाद के सामने सारे शब्द शांत पड़ने लगे थे। अयोध्या की मिट्टी का मोल क्या है, आज पीएम मोदी ने दुनिया को बताया। संतों की तपभूमि की इस माटी से तिलक बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सके, जहां राम का जन्म हुआ उस माटी को सिर से लगाने का सौभाग्य पीएम मोदी को मिला। हम रामलला के गर्भगृह में मौजूद हैं, जहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूमि पूजन किया है। ठीक इसी स्थान पर जो आप ये कलश देख रहे हैं, ये भूमि पूजन के वक्त स्थापित किए गए कलश थे। यहाँ पर एक चांदी की ईंट भी रखी गई थी और 9 शिलाओं की पूजा की गई थी, लेकिन अब वो यहाँ से हटा ली गई हैं, क्योंकि अब एक नक्शा बनाया जाएगा और नक्शे के आधार पर ही तय होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री यहीं बैठकर पूजा कर रहे थे और यहीं सारी पूजाएं हुई। ये आहूति यहाँ पर हवन के दौरान दी गई थी और एक के बाद एक कलश और यहाँ जो फूल हैं वो चढ़ाए गए हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है।
पीएम मोदी ने 41 मिनट तक भूमि पूजन का अनुष्ठान किया, फिर 9 शिलाओं का पूजन किया। ये वो शिलाएं थी जो 1989 से 90 तक दुनिया भर से राम भक्तों के द्वारा भेजी गई थी। हजारों लाखों शिलाओं में से 9 शिलाओं को चुना गया था। शिला पूजन के लिए पीएम ने संकल्प लिया, आचमन किया, फूल भी चढ़ाए, रामशिला की आरती भी की और रामशिला की परिक्रमा भी। उसके बाद बारी आई शिलाओं के सामने शीश नवाने की। अयोध्या तो भगवान राम की अपनी नगरी है, अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। यहां राम कह रहे हैं मेरी जन्मभूमि अयोध्या अलौकिक शोभा की नगरी है। मुझे खुशी की आज प्रभु राम की जन्मभूमि की भव्यता दिव्यता बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। हनुमानगढ़ी की इन सीढ़ियों को पार पाने की लालसा राम भक्त मोदी को कई सालों से थी। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, पीएम मोदी की भावना निर्मल थी, इसलिए आज पावन और पुनीत मौके के सबसे बड़े सूत्रधार साबित हुए वो। सबसे पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में पीएम ने पूजा अर्चना की, आरती की, फिर मंदिर की परिक्रमा की। कहते हैं राम जन्मभूमि में किसी भी काम को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हनुमान का आदेश ना आ जाए। हनुमानगढ़ी के मुख्य गद्दीनशी ने पीएम को पारंपरिक मुकुट भेंट किया। पीछे वो निकास द्वार से ऊपर आए हैं, निकास द्वार से जैसे उतरे हैं गाड़ी से, जो है हम लोगों ने उनको मंगलाचरण स्वस्ति वाचन बोलते हुए मंदिर के ऊपर लेकर के आए, उनको स्वस्ति वाचन कराया गया। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी महाराज की आरती की, आरती के उपरांत श्री महाराज जी के पास गए और महाराज जी ने उनको जो है आशीर्वाद प्रदान किया, एक राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक प्रदान किए हैं और अपना आशीर्वाद इसके बाद प्रदान किए हैं। आज पूरा भारत भावुक है, सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है, करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के अवसर पर कोदंड राम। पीएम को इस खास मौके पर एक खास तोहफा भेंट किया गया, कोदंड की प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राज्य का मतलब आसान और साधारण शब्दों में बताया, यानी कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रधानमंत्री का मूल मंत्र रहा है। और प्रधानमंत्री ने बताया कि वो मूल मंत्र भी राम राज्य की परिकल्पना से मेल खाता हुआ है। सदियों के इंतजार के नतीजे की बुनियाद आज पड़ चुकी थी। संतों के कठोर तप से, हिंदुओं के त्याग से, पीढ़ियों के परिश्रम से ऐसा शुभ दिन आया था जो संत राम मंदिर निर्माण की लड़ाई लड़ते रहे। आज जब उनके सामने राम मंदिर की नींव रखी गई तो उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। बाबा रामदेव यहाँ राम मंदिर शिलान्यास में शामिल होने के बाद बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके राम का संदेश दिया है, किस तरह की अनुभूति थी अंदर जब आप मौजूद थे? जिस प्रकार से मोदी जी ने प्रथम आकर के भगवान श्री राम को प्रणाम किया साष्टांग, फिर संतों को प्रणाम किया और उसके बाद सबके राम, प्राचीन सांस्कृतिक राम, आधुनिक राम, सर्व गुणों से संपन्न राम, शक्तिशाली राम, वीर राम, राम के पूरे चरित्र को कहा, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। ये ऐतिहासिक पल है और यही अपना कल है। कल इसलिए
क्योंकि यही अपनी संस्कृति और संस्कारों का भविष्य है, क्योंकि ये केवल राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ, आज अपने राष्ट्र मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जो संस्कृति संस्कारों और सबको साथ कर ले चलने की जो संस्कृति है उसका शिलान्यास है। रोमांचित हुए हम लोग, आह्लादित हुए हैं पूरे देश भर के संत महापुरुषों की उपस्थिति में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत संदेश दिया है, देश की एकता अखंडता के लिए सभी को साथ लेके चलना है। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिस अवधपुरी को प्रभु राम सबसे प्रिय मानते थे, जिस अवधपुरी में सरयू बहती है, उसी अवधपुरी की सरयू की पूजा अर्चना करते हुए मोहन भागवत की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। एक तरफ मोहन भागवत हैं, इस वक्त सरयू नदी की आरती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की भी है। आज का दिन ऐतिहासिक है, आज का हर लम्हा ऐतिहासिक है, क्योंकि सदियों तक जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें मोहन भागवत का नाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी अंकित हो गया है। और आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा राम की व्याख्या की है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी अखंड कवरेज लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर सरयू के इसी घाट से, राम की इसी पैड़ी से। एक विश्राम के बाद जय सिया राम।